राफेल को लेकर आक्रामक रहने वाले कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने आज एक बार फिर पीएम मोदी पर हमला बोला। उन्होंने एक अंग्रेजी अखबार की खबर का हवाला देते हुए पीएम मोदी पर बड़े आरोप लगाए। उन्होंने एक ऐसी चिट्ठी दिखाई जिसके बाद मोदी सरकार बैकफुट पर आ गई। यहां तक कि रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण को चिट्ठी पर सफाई देने आना पड़ा। आगामी लोकसभा चुनाव से पहले राफेल का मुद्दा राहुल गांधी के हाथ वो हथियार है जिससे वो बीजेपी पर वार कर रहे हैं। आज तो वो ऐसे सबूत लेकर मीडिया के सामने पहुंचे जिससे मोदी सरकार की मुश्किल बढ़ गई। आज राहुल गांधी ने अंग्रेजी अखबार द हिंदू की खबर का हवाला देते हुए पीएम मोदी पर हमला बोला है। दरअसल अखबार में कहा गया है कि फ्रांस से होने वाली इस रक्षा खरीद में सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय का दखल था। रक्षा मंत्रालय ने इसका विरोध किया था। अखबार ने उस चिट्ठी को भी साझा किया है जो तत्कालीन रक्षा सचिव जी मोहन कुमार ने पीएमओ के दखल को लेकर 24 नवंबर 2015 को तत्कालीन रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर को एक पत्र लिखा था। इस चिट्ठी में कहा गया था कि प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा राफेल सौदे में समानांतर बातचीत से रक्षा मंत्रालय की नेगोशिएशन टीम की कोशिशों को धक्का लग सकता है। इस पत्र को मंत्रालय में रक्षा सौदों के लिए जिम्मेदार डायरेक्टर जनरल एग्जीबिशन की सहमति थी। वहीं रक्षा सचिव की इस नोटिंग पर पर्रिकर ने लिखा कि ऐसा प्रतीत होता है कि पीएमओ और फ्रांसीसी राष्ट्रपति का कार्यालय उस मुद्दे की प्रगति की निगरानी कर रहा है जो शिखर बैठक का एक परिणाम था। पांचवें अनुच्छेद में लिखी गई जरूरत से ज्यादा प्रतिक्रिया है। रक्षा सचिव जी मोहन को प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव से सलाह मशविरा कर इस मुद्दे को हल करना चाहिए। इस चिट्ठी को लेकर आज राहुल के साथ साथ कई विपक्षी दलों ने मोदी सरकार को घेरा। टीएमसी सांसद सौगत राय ने संसद में सवाल उठाया कि जब राफेल विमान खरीदने के लिए रक्षा मंत्रालय और फ्रांस सरकार के बीच बातचीत जारी थी तो क्यों प्रधानमंत्री कार्यालय से हस्तक्षेप किया गया। इन्हीं सवालों के बीच जब मोदी सरकार घिरती नजर आई तो रक्षा मंत्री को जवाब देने के लिए सामने आना पड़ा। उन्होंने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि विपक्ष बहुराष्ट्रीय कंपनियों और निहित स्वार्थ से जुड़े तत्वों के हाथों में खेल रहा है और उसका प्रयास गड़े मुर्दे उखाड़ने जैसा है। इसके साथ ही उन्होंने अखबार पर भी बरसते हुए कहा कि उसे दोनों पहलुओं को दिखाना चाहिए, यानी तत्कालीन रक्षा मंत्री की बात भी सामने रखनी चाहिए, जबकि चिट्ठी के निचले हिस्से में पर्रिकर का जवाब भी दिखाया गया है। राफेल के मुद्दे पर मोदी सरकार पहले ही बैकफुट पर थी, लेकिन अब इस चिट्ठी ने उसकी चिंता और बढ़ा दी है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।